Hello viewers, welcome to our channel BAKBAK TV. Please watch videos, like, comment, share and subscribe our channel. Dear viewers, now you are watching special interview of Mr. Aazaad about his movie RASHTRAPUTRA. जब आप कांस में भेजने वाले थे तब क्या रिएक्शन था और अब जब वहां से जाकर आ गए इस बीच का जो समय था उस बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या प्रोसेस था और वहां पे स्क्रीनिंग के बाद किस तरह के कॉम्प्लीमेंट मिले आपको? अच्छी बनाई थी, एक थॉट था चंद्र आजाद के व्यक्तित्व और उनके विचार को लेकर दुनिया कोने कोने में जाए, वो हमने राष्ट्रपुत्र के माध्यम से उसको पूरा किया। और जब कांस फिल्म लेके गए तो क्रांतिकारी विचारधारा की पहली फिल्म है भारत में क्रांतिकारी होती है, तो कांस की पिक्चर रिलीज हुई थी, पहले फिल्म बहुत बनी है कि कांस नहीं गई, फिल्म यहीं पर चली या सफलता मिला नहीं अलग बात था। राष्ट्रपुत्र भारत के इतिहास की पहली फिल्म है, क्रांतिकारी विचारधारा की चर्चा आजाद की मुझे लिखा जाए तो विचारों को बनने वाली पहली फिल्म है। जैसे पहली फिल्मों में भगत सिंह फिल्म में आजाद का व्यक्तित्व उनके कैरेक्टर आर्टिस्ट को इस्तेमाल करते थे, जो आजाद आए जाए पहली बार आजाद को लोगों ने देखा और जम के सराहना मिली, इस बात का मुझे बहुत खुशी है। जो विचारधारा की आजाद के व्यक्तित्व दुनिया के पटल में लेके जाओ वो लेके गए, सफलता मिली। जो स्क्रीनिंग हुई उसके बाद लोगों ने बाहर आके क्या बात की फिल्म के बारे में, क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले आपको स्पेशली किरदार को लेकर? क्योंकि हमने बहुत सारे भगत सिंह हमने देखे हैं, जैसे अजय देवगन को देखा है हमने, बॉबी देओल को देखा है, तो सर आपको क्या कॉम्प्लीमेंट मिल रहे थे अपने किरदार को लेकर? बहुत अच्छा लगा उनको, उनको लगा कि कुछ नई चीजों का भारत की तरफ जाए, मतलब राष्ट्रवाद की विचारधारा का देश उद्भूत है, तो राष्ट्रपुत्र के माध्यम से रुककर कि चलो राष्ट्रवाद का विस्फोट भी दिखा उन्होंने कि मैं देश के लिए जान दूँ और देश के लिए ही जीऊँ, ये थॉट पूरी पिक्चर का था, वो अच्छा है। हमारा मानना है कि दुनिया की हर कंट्री की हर राज्य के लोगों को अपने देश के लिए सोचना चाहिए और जो देश जुड़ने वाला थॉट हो उसी पर काम करना चाहिए। अगर आपके किरदार की बात करें सर, तो किस तरह की प्रिपरेशन से आप गुजरे थे? जैसे हमने देखा चंद्रशेखर आजाद लग रहा, तो सर क्या प्रिपरेशन से गुजरे थे आप, थोड़ा सा अगर हमारी ऑडियंस को बता पाए? देखा जाए तो मैं होसा मिडिल स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ और संघ का पहला स्कूल देखा जाए तो मिडिल स्कूल का जब तक स्टैब्लिश किया था, तो वहाँ पे 17 साल रहना, 20 साल रहने का जो हमने अडॉप्ट किया था कि भाई देश में एक और विचारधारा चलती है जहाँ की अपनी बातों को देश जोड़ने के लिए कट्टरता से मजबूती से काम करने की जरूरत है, तो मैं क्रिएटिव माध्यम चुना जो मैंने मिडिल स्कूल में सिखा था और जो वहाँ से आने के बाद दुनिया में देखा कि भारत भर में गया भ्रमण किया, मैंने कई चीज़ों का भी लगी कुछ लगा, तो मैंने उसको फिल्म के माध्यम से पूरा करने की कोशिश की। और जो आज़ाद की लाइफ में बचपन से आप साथ किया था, मिलिट्री अथॉरिटी भी होता है, सुभाष चंद्र बोस भी आज़ाद के विचारों को चलकर आज़ाद दिन बनाया और देश के लिए काम किया, ऐसे कई चीज़ें थी जो पैदाइशी आप कह सकते हैं कि शिक्षा के दरमियान भी हम मैंने आज़ाद किया और फिल्म को आज़ाद दिखाने की मैंने कोशिश की। सफलता मिली थी। जब पहली बार आपको ये किरदार ऑफर किया गया या फिर आपके पास ये जब किरदार आया, क्या रिएक्शन था आपका? क्योंकि जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि बहुत सारे लोगों ने आजाद को देखा है, बहुत अलग अलग रूप में देखा है, तो आप कितने नर्वस या एक्साइटेड थे इस किरदार को निभाने के लिए और जब पहली बार आपके पास आया तो क्या रिएक्शन था आपका? किसी भी इंसान को पोशाक वाली विचारधारा का होगा या राष्ट्रवादी विचारधारा से होगा, यदि कोई भी कहे कि आजाद का किरदार करना है तो जाहिर है कि जो प्रसन्नता उसको मिलेगी उससे बड़ी खुशी संसार में से कोई नहीं हो सकती। जो आज़ाद को जो स्थान मिलना चाहिए था, जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो नरम दल विचारधारा जो गांधीवाद के दरमियान जो नरम दल विचारधारा चले उसकी वजह से क्रांतिकारी को सम्मान मिला ही नहीं। अरे आज़ाद की बात ही करता हूँ, भगत सिंह लोग, सुखदेव लोग, बस थोड़ा कई नाम है चुनना ठीक है सब, मतलब आज़ाद के विचारों पर हम लेके चले और जो सफलता मिली उसका कारण ये है कि हमने पूरी बॉम्बे टॉकीज ने गौरव की निर्माता है काम में दिखे, उनका भी साथ हमको मिला, टीम वर्क मिला और भारत की जाए जेनू से लेके बेचू से लेके अलावा हर यूनिवर्सिटी के लोगों का भी साथ हमको मिला, तो तभी कमियाँ रहे दूर। जब इलाहाबाद शूट करने गए तो उनका इतना प्रसन्नता थी, पहली बार कोई आज़ाद काम कर रहा है और रह के काम कर रहा है, और जहाँ से शूट किया रहे काम की बड़ी अच्छी थी, वो साथ मिला दिया था इतनी अच्छी बनी। आज़ाद के लाइफ की ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको इंस्पायर करती है? जो मैंने पहले भी कहा कि थॉट था देश के लिए जियो देश के लिए मरो, तो उन्होंने जो बचपन में अपने पहली बात तो गुलाम भारत के बाद आज़ाद थे, चर्चा आज़ाद थे, दूसरा कोई आज़ाद था ही नहीं और टिल डेथ वो आज़ाद रहे, यानी जो बचपन में उन्होंने जो कहा था कि मैं आज तो गिरफ्तार कर लिए, पहली बार गिरफ्तार हुए 14 साल की उम्र के अंदर कच्ची उम्र के अंदर, तो उन्होंने कहा था दोबारा गिरफ्तार हुआ नहीं और उस प्रण को आखिर तक उन्होंने पार किया, आखिरी गोली बची फाइट किया उन्होंने, अब वहाँ पर चर्चा आज़ाद पार किया फिर पार कर उन्होंने, तो उन्होंने फाइट किया, फाइट करने वाली गोली बची, तो उन्होंने अपना प्रण भी पूरा किया, तो देश के लिए ऐसे व्यक्ति भाग मिलते हैं
सर इसके अलावा एक थोड़ा सा अलग सवाल जानना चाहूंगा, जो है आज के समय में, आज के दौर में जो जिस तरह की फिल्में बन रही है, जैसे उरी की बात करें, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, अभी पीएम मोदी है, सारी एजेंडा फिल्में जो बन रही है, उस समय में इस तरह की फिल्म लेके आना कितना चैलेंजिंग था आपके लिए, अगर कुछ बताया इस बारे में, क्योंकि पॉलिटिकल दबाव बहुत ज्यादा रहता है अभी अभी के समय में कोई भी फिल्म के लिए। आम लोग होते हैं, हम लोग एंटरटेनमेंट माध्यम से सबको जोड़ने वाले फिल्म बनाने की कोशिश की था। जब जैसे मैं जिन कार्यक्रम किया था, मैंने जैसा भी हासिल किया, तो लोगों ने इतना प्रतिशत किया, जिन जहाँ आज़ादी का आज़ाद थॉट मैंने चलाया, भारत में जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, तो बंदर की भूमि है, हर पर भूमि है, तर पर भूमि है, मुझे तो देश के लिए मरे तो देश के लिए, ये थॉट लेके आया। इसकी वजह से जो पूरे देश माहौल बना उसकी फिल्म सफलता मिली, पूरी भी देखा जीता जाता जाता उदाहरण है, उनको सफलता मिलने का कारण देश में राष्ट्रवाद, यानी जो पाकिस्तान में घटना दुर्घटनाएं हुई उनका आक्रमण करना या उनको तकलीफ देना या उनके सैनिकों पर को पत्थर मारना, जो भी चीज़ थी उसका आपने जो जवाब दिया, वो जवाब का ही प्रतिशत उरी भी है और राष्ट्र। सर कितना प्राउड फील करते हैं जब इस तरह की फिल्में कांस में, मतलब भारत को रिप्रेजेंट करती है वहाँ पर, कितना प्राउड फील करते हैं इस चीज़ को लेकर? अच्छा पहली बात तो वहाँ मुझे पता नहीं था कि वहाँ जाने की बात थी, ये क्रांतिकारी भारतीय क्रांतिकारी पहली मूवी जो वहाँ पे चल रही है, ये तो मैं सरप्राइज होने का शायद पहले से चुकी सुभाष चंद्र बोस की है, उन्होंने पढ़ी तो रामदास उधम सिंह बने भगत सिंह पर कहीं बन चुकी है, तो मुझे वहाँ जाके मालूम पड़ा कि भाई यहाँ तो कोई आया नहीं है, क्रांतिकारी का जो थॉट क्रांतिकारियों का विचार था वहाँ पर लिखा है, तो वहाँ के लोग पहली बार उनके सामने आया, जो अच्छा लगा कि आज़ादी के पहले लोग कैसे अंग्रेजों को भगाने के किस तरह काम करते थे, भूखे नंगे रहते थे, खाने का ठिकाना नहीं होता था, प्लस गद्दारियाँ कितनी दिक्कतें थी, जो दूसरे जो जो सबको जो पैरेलल पॉलिटिक्स कर रहा लोग क्यों नहीं चाहते थे आज़ाद या भगत सिंह की विचारधारा उनका हावी हो जाए और उनका योगदान दब जाए, और कितनी चीज़ों में टच करने की कोशिश की राष्ट्रपुत्र के माध्यम से, कितने महान महान देश के यहाँ जितने भी देखा जाए, जितने भारत की राजनीति के अंदर जितने भी सफलता प्राप्त किए, चाहे नेहरू है कोई भी, इन्होंने कभी भी किसी भी क्रांतिकारी को मुकदमा लड़ा, जबकि ये लॉयर थे, चाहे वो जिन्ना हो, चाहे नेहरू हो, चाहे गांधी हो, इतने लोग ऐसे लॉयर थे, लेकिन इन लोगों ने कभी भी किसी भी क्रांतिकारी कोई मुकदमा नहीं लड़ा, ये अपने आप में वैचारिक है, बंद हुए तो आने वाले कल में आपको सामने आएगा लड़ा दिया, तो चर्चा होनी चाहिए कि जितने भी लोग थे उस जमाने आपस में तालमेल करके आगे लड़ाई नहीं लड़े, इसकी वजह से यंग और जवान के जो जोश में काम करते रहा बहुत अठा साहब अच्छा तो मारा गया, क्योंकि उसको मदद कहीं से मिली नहीं, ऐसे कई लोग की कुछ मदद मिली थी जो उस दरमियान जो उनके राजनीति में सब कुछ चल रहे थे और सहयोग नहीं थे, किंतु मुझे आज़ाद पे काम करने दरमियान मालूम पड़ा। जैसे आपने कहा कि यूनिटी पहले भी नहीं थी और अभी भी थोड़ी सी कमियां, तो आपको लगता है कि फिल्म इस चीज पे भी थोड़ा बहुत फोकस करेगी कि लोगों में यूनिटी आए स्पेशली? हाँ मतलब पूरा मतलब पूरे दुनिया की लड़ाई की बात करता हूँ, जो आज़ाद ने देश के लिए किया, हर हर कंट्री के हर नागरिक को देश के वही विचारधारा जो आज़ाद विचारधारा। सर इसके अलावा इंडिया में रिलीज करने के क्या प्लान है, कब मतलब इंडियन ऑडियंस देखा जाना पहले भी पूछा था आपको की बॉम्बे टॉकीज का बहुत बड़ा नाम है और उस प्रोडक्शन हाउस से इस फिल्म को लेके आना कितना प्राउड फील किया आपने उस चीज को लेके, और वो लहजे को कायम रखना कितनी चैलेंज की बात थी आपके लिए? देखिए बॉम्बे टॉकीज के काम करने मौका मिलना अपना बड़ी बात है, प्लस बॉम्बे टॉकीज की 65 सालों में वापसी पहली मूवी है, ये भी गौरव की बात है, उसमें काम करने का मुझे राइटर एक्ट्रेस प्लस बॉम्बे टॉकीज साथ ही काम करने के सहयोग उनको मिला, पूरी बॉम्बे टॉकीज एंटायर जो टीम थी इतनी एक्साइटेड थी बॉम्बे टॉकीज पुनर् वापसी के साथ में और आज़ाद पर काम करने के लिए, ये बात मुझे खुशी है कि जो भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी कंपनी की वापसी अगर हुई है उसमें मुझे काम करने का मौका मिला और मेरे तरीके से काम करने का मिला, पूरी छूट के साथ काम करने, इस बात मैं भाग्यशाली हूँ, मैं चाहता हूँ कि आने वाले दम में भी ऐसी अगर अच्छी फिल्म बॉम्बे टॉकीज बनाए और जो बॉम्बे टॉकीज के लिए जो काम का मौका मुझे दोबारा मिलेगा मैं खुशी हूँ। आखिर में जाते जाते ऑडियंस के लिए क्या मैसेज होने वाला है जो आपको देख रहे हैं? मैं सूत्र है संस्कृत सूत्र है, अस्तो मा सत गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु और अमृतम गमय, हम रहे न रहे हमारी स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद हमेशा रहेगा, देश है तो हमें तो जो देश के लिए जान देना और देश की जो कमियां दूर करने की कोशिश करना, नेताओं घरों से बैठना ठीक नहीं होता काम करेंगे, लेकिन हमको भगवान नहीं
हमको जहाँ कमियाँ दिखाई देती है वो हम अपने तरीके से उसको पूरा करने की कोशिश करें, दूर करने की कोशिश करें। राष्ट्र है तो हमें राष्ट्र प्रथम व्यक्ति है। Okay sir, thank you so much and all the best. Watching BAKBAK TV channel for interviews and events coverage, contact on 989204-6798. Please subscribe BAKBAK TV channel and press bell icon for latest videos.